लग रहे हैं आप लोग खुद। प्राइस है 130 मेरी तरफ से एज कम्पेयर टू वाला है। और लास्ट एप्पल पड़ी है टच क्लचर्स में ना अनार वगैरह का जो है ये देखो इसमें इस तरीके से दो मेरी आदत नहीं जाएगी। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह एक आ गया 17। अच्छा एक मैं अपनी मम्मी के लिए मंगाया था वो वही है तो पूरे के पूरे 17 पार्सल होने वाले हैं। हाय मेरी भैया चलो। हे गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, एक बार फिर से स्वागत है। होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। व्लॉग की नहीं वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 1:30 बजे से 1:30 बजे से। तो आज कोई व्लॉग नहीं होने वाला है, आज होने वाला है मीसो ह्यूज रैंडम फाइंड्स हॉल। मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें खोजी हैं मीशो से जो कि हाउस होल्ड चीज़ें होने वाली हैं। क्या है क्या खा रही हो? छी रबड़ बैंड। तो अनाया और मैं करेंगे आज मीशो अनबॉक्सिंग ह्यूज मीशो रैंडम फाइंड्स हॉल। इसमें होने वाले हैं एक से बढ़कर एक चीज़ें, मतलब ज्वेलरी भी है, घर के सामान भी है और कपड़े भी हैं, चप्पल वगैरह भी हैं, मतलब सब कुछ होने वाला है आज के हॉल में और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। चलो हाँ नो यू डोंट डू दिस गाइस। आज की वीडियो में ना ऐसी ऐसी चीज़ें मैं लेके आई हूँ जिसकी आपको काफ़ी ज़्यादा नीड रहती है। जब भी आप मीशो ऑन करते हो और आप लोग स्क्रॉल करते रहते हो आपको वो सारी चीज़ें दिखती हैं। अच्छा मैं रख लूँ? लेकिन आप क्या है डरते हो कि हाँ ये चीज़ कैसा आएगा ये चीज़ कैसा आएगा, तो उसी का सॉल्यूशन आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। क्या मामा? तो बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ ये वाला पार्सल जिसके अंदर होने वाला है, स्क्रीन में मैं मेंशन कर दूंगी या इस तरफ। इसके अंदर होने वाला है ना एक मेहरून कलर का चूड़ा सेट जो कि स्पेशली मैंने अपने लिए मंगवाया है। और यार मेरा बच्चा मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ये ले। सबसे पहले हम अपना चूड़ा ही अनबॉक्स करते हैं जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैंने ये अपने उसके लिए मंगवाया था, एनिवर्सरी के लिए मंगवाया था, लेकिन ये काफ़ी लेट पहुँचा। अंदर हमें मिल जाता है मेहरून कलर का चूड़ा जो कि इतना सुंदर लग रहा है, तो मैं इसे खोल के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखो मैं वेयर करके दिखाती हूँ गाइस। ये है मेरा वो चूड़ा सेट जिसे ना मैंने आधा पहना हुआ, अभी इसमें ना एक और रह गया है यहाँ और यहाँ, लेकिन ना मैंने दो ही सेट पहने रेड वाले मतलब मेहरून वाले। इसमें ना कुंदन वर्क हुआ हुआ है और ये ना बेस मेटल इसका प्लास्टिक है। काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, आप लोग खुद बताना कि कैसे लग रहे हैं। ये मैंने अपनी एनिवर्सरी के लिए मंगवाए थे लेकिन ये थोड़ा लेट पहुँचे तो मैंने इनको वेयर नहीं किया। फिलहाल अभी ये मेरे पास हैं तो कल मेरे पतिदेव आने वाले हैं तो कल मैं इन्हें पहनूंगी। तो ये जो चूड़ा है ना ये मेरी तरफ से अप्रूव्ड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्सल की तरफ गाइस। जो मेरा नेक्स्ट पार्सल होने वाला है वो ये है। तो इसमें होने वाली हैं जो सिंक की छन्नियाँ होती हैं वो मंगवाई हैं, स्क्रीन पे मैं लगा दूंगी, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा नीड थी। तो मैंने मायके में भी मंगवाया था शादी से पहले और मैंने शादी के बाद अपने यहाँ पे भी मंगवाना चाहा था लेकिन मैंने थोड़ा लेट कर दिया। तो इसके अंदर होने वाली है मेटल की दो स्टील की छन्नी, ये देखो स्टील की दो छन्नियाँ होने वाली हैं जिसे हम सिंक में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं बर्तन वगैरह धोते हैं जूठा जितना होता है ना वो हमारे पाइप में फंस जाता है, फिर हमारा पानी जाता नहीं है। तो मैंने उसके लिए ये सॉल्यूशन मंगाया है। इससे क्या रहेगा ना छोटे छोटे पार्टिकल्स भी इसमें छन्नी से छन जाएंगे, हमारा जो पाइप है ना वो ब्लॉक नहीं होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है किचन के लिए, तो आप लोग भी अपनी मम्मी लोग को ये गिफ्ट कर सकते हैं। तो इसे हमें दो मिल जाते हैं, इसका प्राइस है 134 रुपीज़। मेरी तरफ से ये अप्रूव्ड है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्सल की तरफ। नेक्स्ट पार्सल होने वाला है ना वो तो आप लोगों ने पिछले वाले ब्लॉग्स में देख ही लिया होगा जिसे मैंने वेयर किया था, वो है ये वेस्ट बैग जो मुझे पड़ा 151 रुपीज़ का और जो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिबल है। इसमें हमें दो जिप मिल जाती है इस तरीके से जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। अब इसमें मैंने कुछ सामान भी रखा है, शायद अपना स्क्रब रखा है और एक क्लचर भी रखा हुआ है। इस पर ना हमारे दो तीन फ़ोन ईजिली आ सकते हैं, एक यहाँ आगे वाली जिप में भी इजीली हमारे फ़ोन आ सकते हैं और जेब में बहुत सारे रुपीस भी आ सकते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो सामान हटा देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है देखो। और इसकी जो लेंथ है ना टांगने के लिए भी काफ़ी अच्छी खासी हमें मिल जाती है लेंथ है। और इसे इस तरीके से हम
वेयर कर सकते हैं जो कि काफी ज्यादा यूनिक लगता है। ये मेरी तरफ से अप्रूव्ड है, जो कि आप लोगों ने ब्लॉग्स में देख ही लिया होगा। इसे आप जीन्स वगैरह के साथ भी वेयर कर सकते हो। मेरी तरफ से ये पार्सल भी अप्रूव्ड है। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्सल की तरफ। हमारा नेक्स्ट पार्सल है वो मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी, तो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। ये मैं अपनी सिस्टर के पास देख के आई थी, उसने हैंड से बनाया था, लेकिन मेरे पास इतना फुर्सत कहाँ, मैं इतनी कलाकार कहाँ जो मैं इसे बनाऊँ, तो मैंने ये ऑनलाइन ही मंगा लिया। ये देखो, ये होने वाला है 1 2 3। ये देखो, वेलकम टू अवर हैप्पी क्रेजी लविंग होम, जिसे मैं लगाने वाली हूँ अपने घर के बाहर की तरफ, और जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ये देखो, ये पूरा का पूरा ना गाइस वुड का बना हुआ है, जो मुझे पड़ा 121 रुपीस का, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है ना। तो स्क्रीन में मैं इसका रियल प्राइस लगा दूंगी, मैंने सेल में ख़रीदा था, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बैक से प्लेन मिल जाएगा, इसमें एक डोरी लगी हुई है ये देखो, जिसे आप लटका सकते हैं, और ये ना बहुत ही मजबूत रस्सी है। एज कम्पेयर टू दिस मटीरियल, मतलब काफ़ी ज़्यादा हल्का है, ये वुड का बना हुआ है और हल्का है, मतलब आप ना अपने घर के बाहर टांग सकते हैं वेलकम करने के लिए। क्या कर रही हो बाबू? ये बोर हो रही है। बोर हो रही है गाइस। ये तो मैंने ऑलरेडी मंगा रखा है, पर मुझे ये थोड़ा सस्ता मिल रहा था, मैंने फिर ऑर्डर कर लिया, पैसे थे ही मंगा लेते हैं सोचा। तो जो वॉल हैंगिंग पहले मंगाया था ना, वही मंगवा रखा है मैंने फिर से। ओ, ये तो कुछ डिफेक्टिव आ रखा है, चलो इसको देखती हूँ। इसमें पता है मुझे पूरे 7-8 पीस मिल रहे हैं, पर मुझे ऐसे लग रहा है कोई डैमेज नहीं हुआ, तो पहले वाला ही डैमेज निकला। इसमें ना इसकी जो ये है परत निकल रखी है, पर ये चिपक जाएगा, इसको इतना कोई इशू नहीं है, बाकी सब ओके ही है। दिखाओ ना, छोड़ो, तो सारे के सारे अच्छे लग रहे हैं, और जो पिछले वाले थे ना उनसे थोड़ा अलग है ये। गाइज, इस पे ना हम लोग छोटे छोटे जो फ्लावर पॉट्स आते हैं वो लगा सकते हैं, जैसे हमारी टीवी वगैरह होती है, बड़ी सी वॉल होती है, उसमें हम डिज़ाइन की तरह से लगा सकते हैं। ये पूरे के पूरे ना मुझे 8 रिसीव हुए हैं 176 रुपीज़ के, तो मैं स्क्रीन में लगा दूंगी रेट, अच्छे लगेंगे मुझे पता है। मेरे एक वॉल में तो ये लगे हैं, अभी मैंने दूसरे उस तरफ के रूम में के लिए मंगाए हैं ये पार्सल मेरी तरफ से अप्रूव्ड है। गाइज, अब मैं बढ़ने वाली हूँ एक ऐसे पार्सल के लिए ना जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी था, और मुझे ये पड़ा था काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में, तो मैंने एकदम से ऑर्डर कर लिया, और उसके बाद ना इसका जो प्राइस है वो बिल्कुल ही हाई हो गया है, और इतने सस्ते में तो लोहागाट की मार्केट में भी, हमारे लोकल मार्केट में भी नहीं मिलते। तो नेक्स्ट पार्सल मैंने अनबॉक्स कर रखा है और मैंने यूज़ भी कर लिया है, इसमें मिल जाते हैं, तो स्क्रीन में मैं लगा दूंगी। ये कुछ चप्पल है, मतलब 219 रुपये में मुझे पता है 6 जोड़ी चप्पल मिले हैं। सरोजनी, जो लोग नहीं जा सकते हैं ना, वो मीशो में शॉपिंग कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राइस में आपको सब कुछ मिल जाता है। तो जो चप्पल है ना वो कुछ इस तरीके की है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं खुद यूज़ कर रही हूँ। सारे प्रोडक्ट के कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक करना, और अगर आपको लेने होंगे ना आप ज़रूर ले सकते हो। फेकन ने देखा, टूटेंगे ना, अगर ये टूटे तो। ये वो चप्पल है, इसमें ना हमें कितने कलर मिल जाते हैं, पिंक है, ग्रीन है, वाइट है, अरे यार बेटा तू मत कर, ब्लैक है, ब्लैक जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, और लास्ट है रेड और ब्लू का कॉम्बो है, और जो एक मैंने वेयर करने वाला बनाया ना वो वाइट और रेड का कॉम्बो है, ये भी वाइट और रेड, हाँ सेम टू सेम है। ची यार, ये तो वीडियो नहीं बनाया मेरे। गाइस, इसमें ना पूरे के पूरे 6 जोड़ी चप्पल हो ही रख दी, मम्मी मेरे लिए खाना लेके आई हैं तो खा ले बोल रही हैं इसलिए। और मैंने जो इसमें साइज़ मंगाया ना, मेरा इंडियन 5 साइज़ है, जो कि मुझे फिट आता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब 20 या 25 रुपए की या 30 रुपए की एक पड़ी मुझे, 6 चप्पल है ना, तो 219 रुपए की मुझे पड़ी है, तो आप हिसाब लगा लेना कि कितने की एक पड़ी होगी। खाना बाहर क्यों लाए फिर, मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, वरना मेरे घर वाले मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। गाइस, पूरे 2 घंटे के बाद मैं अभी वापस वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ। मेरी लिपस्टिक भी खाना खाने के साथ साथ खा ली थी मैंने, फिर दोबारा लगा ली है, बट थोड़ी सी लगाई है। तो हम बढ़ेंगे अब नेक्स्ट पार्सल की ओर। बग 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 बहुत ज़्यादा हो गई है, कहाँ गया? नेक्स्ट पार्सल है ये, तो स्क्रीन में मैं लगा दूँगी ये क्या है फिलहाल। चलो अनबॉक्स करते हैं फिर। इसके अंदर है वॉल हैंगिंग है ये भी। अरे यार, ये इतना छोटा क्या? अच्छा, तो ये ना लकड़ी का बना हुआ है, साथ में ये रस्सी है, जो रस्सी नहीं होती है
वो रस्सी है ये पास से देखो इस तरीके से दो मुझे रिसीव हुए हैं। ये देखो यार ये लकड़ी ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बट अब मैं एक्सचेंज भी नहीं कर सकती क्योंकि डेट चली गई है। ये देखो इस पे दो मिल जाते हैं हमें, ये 164 का है दोनों कॉम्बो पैक। और इसकी जो लकड़ी है ना गाइस ये थोड़ा सा मतलब ठीक है, ओके है, बट उतना ख़ास नहीं है। अगर इसको प्लेन किए रहते ना ज़्यादा अच्छा रहता। ये देखो कितना ज़्यादा खुरदुरा सा है, ये वाला प्लेन है इसके कंपैरिजन में, बट इसके ये तो दोनों साइड से प्लेन है, ये दोनों साइड से प्लेन नहीं है। बाकी ठीक है, ओके है, 150 रुपये में क्या ही मिलता है, तो 150 रुपये के हिसाब से क्वालिटी ओके है, तो ये भी मेरी तरफ से अप्रूव्ड है। गाइस जो नेक्स्ट पार्सल होने वाला है ना, मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिमाग में सोच के ये चीज़ मंगाया है। मतलब हमारे जो कपड़े सुखाने की जगह ना काफ़ी ज़्यादा स्पेस नहीं है हमारे छत में, बस हमारी जो रेलिंग है उसी में हमें कपड़े सुखाने पड़ते हैं, तो उसके लिए मैंने एक ऐसी चीज़ मंगाई है ना जिसे हम इजीली बहुत सारे कपड़े इसमें सुखा सकते हैं। तो स्क्रीन में देख लो क्या मैंने मंगाया था और मुझे क्या रिसीव हुआ है। गाइस देखो मैंने ब्लू कलर मंगाया था बट ब्लैक कलर रिसीव हुआ है, पर कलर का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे रस्सी से मतलब था, बट डिफरेंट आया तो इस बात की थोड़ा सा वो है। इसका प्राइस है 146 रुपीज़, जिसमें ना काफ़ी सारे क्लचर्स मिल जाते हैं, मतलब कपड़े सुखाने के लिए क्लिप्स होती है ना जो वो, और इसके दोनों तरफ हमें अटैच करने के लिए कुछ इस तरीके की ये मिल जाते हैं लोहे से बने हुए। इसकी क्लिप की क्वालिटी है ना वो अच्छी है, अच्छी खासी है ये देखो। और इसे ना आप कितना भी ज़्यादा लंबा कर सकते हो, कहीं के लिए भी कैरी कर सकते हैं। बहुत बारी क्या होता है, बारिश आ जाती है और हमारे कपड़े नहीं सूखते हैं, तो हम इसे अंदर भी लटका सकते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाए। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी, क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी कम है हमारे और बारिश के दिन ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। एक मक्खी आई हुई है, ये मक्खी मेरे वीडियो के बीच बीच में आ रही है, तो इस ये वाले प्रोडक्ट के लिए भी मेरी तरफ से अप्रूव्ड है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये प्रोडक्ट। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्सल की तरफ, और बाहर से इतनी अच्छी हवा आ रही है, देखो ठंडा भी हो रहा है बट हवा अच्छी आ रही है। तो नेक्स्ट पार्सल होने वाला है ना, वो मैंने अपनी सासू माँ के लिए और अपनी मम्मी के लिए दोनों के लिए मंगवाया था। मम्मी वाला मैं देके आ गई हूँ, मम्मी को ठीक लगा, मैंने ज़बरदस्ती उसको पहनवाया था, लेकिन जो मम्मी जी वाला है ना यहाँ सासू माँ वाला, तो मम्मी को ना ये कुछ खास पसंद नहीं आया। ये है, मैं स्क्रीन में लगाती हूँ, एडी में जब कभी भी मम्मी लोग के काफ़ी दर्द होता है तो उसको रिलैक्स देने के लिए एक प्रोडक्ट बनाया गया है, जो कि मीशो में काफ़ी कम रेट में मिल रहा था। मुझे ये पड़ा है 109 रुपये का, और जो मम्मी वाला था वो 100 रुपीज़ का पड़ा है। तो ये कुछ इस तरीके के दो पीस आ जाते हैं, जो कि हमें हील में, जो हमारी हील्स होती है उनमें ना सपोर्ट करता है ये। और इसका जो मटेरियल है काफ़ी ज़्यादा गुदगुदा सा है, स्लाइमी टाइप का है, ये देखो गुदगुदा सा, लेकिन इसको पहन के अगर हम चले ना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हमें लगता है। मम्मी जी के एड़ियों में दर्द होता है तो मैंने उनके लिए मंगाया, मम्मी के भी होता है तो मैंने मम्मी के लिए भी मंगा दिया। तो ये मम्मी को पहनाती हूँ अभी, वैसे देख रही थी, कह रही थी किसी की जीभ है जैसे कि वैसे लग रहे हैं मम्मी का तो यही बात कहना है। तो ये काफ़ी स्ट्रेचेबल हैं, जितनी भी बड़ी एड़ी हो जितनी छोटी एड़ी हो ये अच्छे से फिट आएंगे। तो ये मेरी तरफ से तो अप्रूव्ड है, क्योंकि इससे थोड़ा हील्स को हमारे रिलैक्स मिल जाता है। गाइस जो नेक्स्ट पार्सल है ना वो स्क्रीन में लगा देती हूँ मैं, ये पार्सल मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवाया है, और यही पार्सल मैंने एक बार पहले किसी ने मंगवाया था तो उस वजह से मैंने इसको मंगवाया, कि ये मुझे उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने अनाया के लिए ये ड्रेस मंगवाई है, जो मुझे पड़ी है 245 ऐसे पड़ी है, ये देखो इसकी स्लीव्स, मतलब ये अनाया के लिए परफेक्टली फिट होएगा। तो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में पहनवा के दिखाऊंगी उसे, अभी तो फ़िलहाल वो सो रखी है। ये इसके साथ एक पजामा भी मिल जाता है जिसमें लिखा है मॉम प्लस डैड मी, ठीक है, और इस पर अच्छी खासी इलास्टिक दी है। और इसकी जो बॉटम में है ना, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि जो पजामे होते हैं ना वो अगर ऐसे ना हो ना, वो बगे बगे से मुझे अच्छे नहीं लगते, तो ये वाला मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो इसके लिए भी मैं अप्रूव करती हूँ इस पार्सल को, अभी मेरी बेटी पहनेगी फिर आपको दिखाती हूँ। अभी ना काफ़ी सारे पार्सल बचे हुए हैं, तो आप कहीं मत जाना, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अभी जो एक ऐसी चीज़ आने वाली ना, इसके लिए मैं काफ़ी टाइम से, जब भी मैं मीशो को स्क्रॉल करती थी ये मुझे ज़रूर दिखता था, और मैं सोचती थी मैं इसे खरीदूँ, तो मैंने फाइनली ख़रीद लिया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है, ये मैंने खोला नहीं है। तो गाइज़ इसके अंदर है, स्क्रीन में लगा देती हूँ, और मुझे क्या रिसीव हुआ है वो भी दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये है जूसर, मिनी जूसर। इसमें क्या कर सकते हैं ना, जो हमारे माल्टा होते हैं, संतरे होते हैं, हम उन्हें ऐसे ही खाते हैं, इससे हम जूस निकाल सकते हैं अच्छा खासा। तो इसकी क्वालिटी वाइज ये मुझे अच्छा खासा कप मिल जाता है,
कप के साथ एक इसको अटैच करने के लिए कुछ इस तरीके से, ये सेकेंड पार्ट इसका। और जो थर्ड पार्ट है ना गाइस, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसके बाहर का ही ढक्कन निकल जाता है कि ना, अनार वगैरह का जूस आसानी से निकाल सकते हैं। तो मुझे ट्राई करना है, नेक्स्ट व्लॉग में मैं ट्राई करूँगी। इस पार्सल के लिए अप्रूव्ड है, बहुत अच्छा पार्सल रिसीव हुआ है, प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्सल की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट पार्सल होने वाला है ना, वो आपने पिछले व्लॉग में भी देख लिया होगा। अगर जो लोग डेली मेरे व्लॉग्स वगैरह देखते हैं और हॉल भी देख रहे हैं, तो ये मैंने पहले से मंगवा रखा था और इसको ना एक यूज़ भी कर लिया है मैंने, और फिर मैंने दोबारा से पैक कर दिया क्योंकि अनाया सारे निकाल दे रही थी। ये है मेरा नेक्स्ट पार्सल, ये देख सकते हो स्क्रीन में। और इसका जो प्राइस मुझे मिला ना, 174 या 176 ऐसे पड़ा। और इसके अंदर मुझे 5 ऐसे हैंगिंग गमले, हैंगिंग पॉट्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। 176 रुपये में क्या मिलेगा, देखो इससे ज़्यादा और क्या ही मिलेगा ना। क्वालिटी वाइज तो मतलब 176 के हिसाब से ओके है, ऐसी मिलेगी यार इतने कम रेट में, अच्छा है मेरे लिए तो, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसके साथ 5 पेयर्स हैं इसके, एक हमने बाहर लटकाया और 3 इसके अंदर है, बाकी सब सेम है। इसके साथ हमें चेन भी मिल जाती है, तो आप लोग ये खरीद सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम यूनिक सा लगता है अगर हमारे घर के चारों तरफ ये गमले लगे हो। मेरी तरफ से अप्रूव्ड है, आप लोग परचेस कर सकते हैं। गाइस एक मक्खी आई है। गाइस नेक्स्ट जो पार्सल होने वाला है ना, वो फिर से चप्पल है, तो स्क्रीन में मैं लगा दूंगी इसको, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये है चप्पल, सैंडल। इस पर मेरी काफ़ी टाइम से नज़र थी गाइस, ये देखो कितनी अच्छी चप्पल पड़ी है 134 रुपये में, देख रहे हो ना। तो 134 रुपीज़ में इतनी प्यारी चप्पल हमें मीशो पे मिल जाती है। इसका जो सोल है ना, काफ़ी मोटा है ये देखो, और इसकी जो ये हुक होती है ना, काफ़ी नीचे तक गई हुई है। काफ़ी बार क्या होता है ना, जो इनको खाली गोंद से चिपका देते हैं, अगर ऐसी होती ना मैं रिटर्न कर देती, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली पसंद आई है, मम्मी जी को भी पसंद आई है। अब नेक्स्ट टाइम ना मैं ऐसी चप्पल अपनी सासू माँ के लिए भी मंगवाने वाली हूँ, जब सेल चलेगी तब, फिलहाल तो सेल नहीं चल रही है। तो इसके लिए भी मेरी तरफ से थम्स अप है, एक बार पहन के देख लेती हूँ। गाइज ये देखो, ये देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो इन चप्पलों के लिए भी मेरी तरफ से अप्रूव्ड है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्सल की तरफ। गाइज मैं ना थक चुकी हूँ, मैंने इतना ज़्यादा बोल दिया है, मैं बोलने के बिल्कुल भी मन नहीं है। तो नेक्स्ट पार्सल भी हमारा किचन से रिलेटेड होने वाला है। इसमें है यार, हमारे पास ये चीज़ नहीं थी, जो थी मैं विशाखापट्टनम पहुँचा के आई, चिमटा, मेरा हाथ जल जाता है। और अब तो पतिदेव आने वाले हैं, तो मुझे रोटी बनानी पड़ेगी, तो ये चिमटा मैंने स्पेशली उनके लिए रोटी बनाने के लिए मंगवाया है। और वो लड़ाई करेंगे तो नहीं करते लड़ाई। तो ये चिमटा कैसा है खोल के देखते हैं पहले तो हम। काफ़ी सही पैकिंग करके दी है उनने हमें ये, यार ओ बाप रे, ये देखो तो चिमटा है, चिमटा इतना बड़ा मुँह खोल रखा है इस चिमटे का, ये देखो तभी इसको बांध के रखा है। तो इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये अपनी लाइन पे आ जाएगा। एक चिमटा मंगाया है और नंबर 2 है, इसको क्या बोलते हैं, ये किचन के सामान का मुझे इतना ज़्यादा मतलब नाम पता नहीं रहता है, तो ये मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो पकड़ने वाला, जैसे कोई कैसे पकड़ेंगे रे ऐसे, अच्छा हाँ। तो क्वालिटी वाइज भी ठीक है, मार्केट में वैसे 30 रुपये का मिल जाता है, ये 40 रुपये का मिल जाता है। मुझे दोनों 100 रुपये के मिले हैं, 100 रुपये या 110 या 120 के ऐसे मिले हैं। तो ये चीज़ की मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने ये दोनों चीज़ें परचेस कर ली हैं। आप लोग भी कॉम्बो पैक मंगवा सकते हैं मीशो से, तो मेरी तरफ से ये भी अप्रूव्ड है। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्सल की तरफ। यार ख़त्म ही नहीं हो रहे पार्सल, अगला पार्सल है ये। तो इसमें है हमारे चॉपर, जो कि हमें 2 एक साथ मिल जाते हैं। एक थोड़ा बड़ा है, बड़ा क्या है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ये देखो, इसमें ना 4 ब्लेड्स लगी हुई है। हाँ देखो इस पर हमें, नहीं 4 नहीं यार, 1 2 3 4 5, इसमें हमें 5 ब्लेड मिल जाती है, जो बड़ा वाला चॉपर है ना। और जो छोटा वाला चॉपर है उस पर हमें 3 ब्लेड मिल जाती हैं, ये देखो 1 2 3। तो ये काफ़ी ज़्यादा सही है। ये पड़ा मुझे 190 का पड़ा है, 200 ऐसे ही पड़ा, तो मैं स्क्रीन में लगा दूंगी इसका जो भी प्राइस है रियल। और इसके साथ हमें एक फिरनी भी मिल रखी है, फिरनी, इसमें हम कुछ भी फेर सकते हैं, ये भी मिल रखा है। गाइज आप लोग कमेंट करना इसका क्या यूज़ हो सकता है, जो लोग इसे यूज़ करते हैं
तो मुझे तो इसका यूज़ नहीं पता, बस मुझे इस ब्लेड का कटर का यूज़ पता है किससे हम वो काट सकते हैं। तो अभी मेरे पतिदेव आने वाले हैं तो उनको प्याज टमाटर वाली सब्जी ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए मैंने स्पेशली मंगाया। प्याज टमाटर काट काट के यार मेरे दिमाग ख़राब हो जाता है, मेरी आंखों से आंसू आने लग पड़ते हैं। तो मैंने ये मंगवा लिया जिससे कि मुझे अब आसानी रहेगी चॉप करने के लिए। मम्मी फिर आ गई हो, मैंने भी थी। लास्ट पार्सल बच गया है, कहाँ गया लास्ट जो पार्सल है गाइस? ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट पार्सल है, चलो दिखाती हूँ। तो स्क्रीन में लगा देते हैं पहले। इसका जो प्राइस है वो 95 है और जो मुझे ये डिस्काउंट में मिला है 95। तो ये देखो क्यूट से क्लेचर्स, वाओ कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ना ये। मेरी आदत नहीं जाएगी, मैं ऐसे ही फाड़ूंगी इसे, बस टूटे ना बस। आह यार 96 के इतने बड़े क्लेचर। ओ ये देखो तितली बनी है, कलरफुल तितलियाँ। इसमें से एक तो मैं अपनी सासू माँ को दे दूंगी ताकि उनके सर में भी तितली बैठे रहे दिन भर। एक तितली तुम्हारी खोपड़िया में लगाना इनको। देखो कितनी कलरफुल तितलियाँ आई हुई हैं, ये देखो यार ये प्रेस नहीं हो रही। हाँ इनू बिजार रह रहा, क्लेचर हैं यार। मम्मी देखो गाइस मुझे ये 95 रुपीज़ में 6 क्लेचर्स मिल जाते हैं और इनका कलर काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। मार्केट में मिलते हैं ब्लैक वाइट पिंक इसे ऐसे टाइप के, तो ये कुछ अलग वाइब्रेंट से कलर हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। तो ये हमारे आज के हॉल का लास्ट पार्सल था जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा है। स्क्रीन में तो बहुत छोटे छोटे से दिखाए थे लेकिन ये काफ़ी बड़े आ रखे हैं। देखो ये देखो बालों में, जिसके पतले बाल हैं ना उसमें भी फिट आएगा और जिसके मोटे बाल हैं उनमें भी फिट आ जाएगा। देखो बहुत बड़ा है, ये देखो अभी नहीं ख़त्म हो गए ना पार्सल गाइस, सारे पार्सल ख़त्म हो गए हैं। बताना आपको आज के इस वीडियो में ना, आज की इस वीडियो में कौन सा पार्सल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे तो ये वाला अनबॉक्स करने की हुई थी और साथ में मेरा चूड़ा, ये देखो। बाकी के तो सब घर की सामान है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं इनके लिए ना काफ़ी टाइम से स्ट्रगल भी कर रही थी इस वीडियो को बनाने के लिए, फाइनली मेरी ये वीडियो बन गई है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, पतिदेव आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे, जय सीता मैया की, बाय।